हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग, और बताओ क्या हाल चाल है सभी के। तो आज हमारे यहाँ पर सरस्वती पूजा, तो मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी पूरी फैमिली सबको हैप्पी सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं सभी को। और बताओ क्या हाल चाल है सबके। और आज एक और मोटो ब्लॉग के लिए निकल रहा हूँ मैं, देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। और तो वैसे ही पूजा है ये, मैं सुबह इंट्रो शूट कर रहा हूँ बट निकलूँगा शाम को, तो इसके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि कई बंदे फिर बोलेंगे यार तो ये सुबह का सीन है और तू शाम को फिर दिखा रहा है इधर मोटो ब्लॉग पे। तो चलो मिलते हैं सीधे मोटो ब्लॉग पे। ओके बाय। कैसे आप सब लोग, तो ये है मेरा जुगाड़ जो आप देखना चाह रहे थे। ये देखो ऐसे सेल्फी स्टिक से लगा के, और ये मैं ऐसे जुगाड़ कर रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल, तो ऐसे ही चल रहा है मेरा। तो कई बंदे मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे करके आप मतलब ब्लॉगिंग करते हो, मतलब कैसे वो करते हो, तो फिलहाल तो यही वाला जुगाड़ लगा रखा है मैंने, ठीक है। और आज हमारे यहाँ पर सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती पूजा में निकल रहा हूँ थोड़ा देखने घूमने घामने। तो अभी थोड़ी देर बाद रिवील करूँगा, मतलब फेस तुम्हारा वो दिखाऊँगा मैं शुरू में। तो चलो चलते हैं, से निकल दिए अपनी बाइक पे। ये रही अपनी बाइक, कोई पुराना सेटअप, और ये रहा। कई बंदे शायद इसमें देख नहीं पा रहे थे तो इस वजह से मैंने वहाँ दिखा दिया बड़े वाला आईने पे। चला देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। पहले मिरर सेट, प्रॉपर गियर अप। यार गाड़ी थोड़ा चल फिरने में दिक्कत करती है, तो ये भी स्टार्ट करना पड़ता है। निकलते हैं चलो। वाइजर अभी भी नहीं लगा पाया, वाइजर लगा था। ये देखो भाई एक से बढ़ गया यार, जो मुँह पहले ही देख गया बताओ। फिर तो वही वाले रास्ते पे चल दिया। और हाँ भाई यार मास्क जरूर पहना करो, अभी फिलहाल तो कोविड कम हो गया। सेकंड बम्पर यहाँ का, और कई बंदे तो मुझे ऐसे बोलते जैसे मैं पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ। जो गुरु तक घूमने दो भाई, अपना काम से काम रखो, मेरा तो यही कहना है भाई। इनको अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम बाद में जो दिखेंगे ना, हम थोड़ा चमक दो इनको, तब इनको अकल आएगी हाँ भैया बंदा कुछ तो कर रहा था। ये फोर्थ बम्पर, यहाँ फर्स्ट गियर और सेकंड गियर करते करते पागल हो जाता हूँ मैं कसम से, और गाड़ी की भी चरतर हालत हो जाती है कभी कभार तो, फर्स्ट गियर सेकंड गियर कर करके। और बताओ दिल्ली में भी कैसी ठंड चल रही है। दिल्ली के जो जो बंदा जहाँ जहाँ देख रहा है वहाँ कमेंट करो ठंड कैसी है आपके वहाँ पर। यार एक चीज़ बड़ी बुरी लगी मैं कोलकाता की, मतलब यहाँ जिस साइड में मैं रहता हूँ यहाँ की, मुझे बड़ी बुरी चीज़ लगी कि मतलब मूर्तियाँ बहुत दूर दूर आती है हमारे वहाँ पर। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है ये छुपाने वाली बात नहीं है, दिल्ली में रहता हूँ मैं, तो हमारे वहाँ पर मतलब 10-15 मिनट की दूरी दूरी पर मूर्तियाँ आती है। घूमने फिरने के लिए जगह सही है वहाँ पर, अगर पैदल भी निकलो तो आराम से घूम सकते हो, बट यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। यहाँ बिना ऑटो के और या आपकी खुद की बाइक ना हो तो भैया आप मतलब आपकी हालत खराब है चल चल के। बंदा एक फुल फॉर्म रेडी होके निकले कि हाँ भैया आज घूमने निकलना है, और तो पैदल चलाओ या साइकिलिंग पे चलाओ, बंदा घूमेगा क्या, मतलब पसीने में उसकी हालत तो वैसी फटी हालत हो जाएगी जैसे कहते हैं। इसलिए मैं सुबह से चक्कर में निकला नहीं मैं। आधा सा भी दिखाऊंगा तो कुछ दिखाऊंगा पूरा, मतलब तो आपको पूरा एक सेटअप दिखाऊंगा, मतलब बाकी देखते हैं। अरे 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 बाद को ये देखो भाई, विदाउट हेलमेट ट्रिपलिंग चल रहे हैं, मतलब एक बंदे ने भी हेलमेट अगर पहना हो।
इन में ट्रिपलिंग विदाउट हेलमेट, और एज कितनी होगी इनकी ज्यादा 15-16। यहाँ तो मान लो भाई हेलमेट कोई पहनता ही नहीं है। हमारे दिल्ली में बढ़िया भाई, क्या रूल कुछ भी हो फाइन के चक्कर में तो हेलमेट पहनते हैं, सेफ्टी रखते हैं अपनी, बट यहाँ उसका तो कोई डर ही नहीं है, जान जाएगी जाने दो, और फैशन दिखाना है अपना भाई। जो है भाई साफ सुथरी अभी बता रहा हूँ, किसी को बुरा लगे भला लगे अपने को कल तो फर्क नहीं पड़ते, देखो बच्चे के सामने बैठा रखा है। बेटा सामने देख के चलो, इसका मतलब मैं यहाँ पर कैमरा इधर था और भी लेके चल रहा पूजा के टाइम, क्योंकि भाई यहाँ रैश ड्राइविंग होती है ज्यादातर, तो और रैश ड्राइविंग में मान लो तुम्हारा अगर प्रूफ नहीं हुआ और एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा, बंदे तुम पर चढ़ जाएंगे, यहाँ के बंदे तुम पर चढ़ जाएंगे, तुम पे वो कर देंगे कि तुमने भाई एक्सीडेंट करा है। देखो इससे पहले मैं और लेकर निकला हूँ कि हम भाई अपनी सेफ्टी भी रहेगी, एक भी तो बहुत सारे काम हो रहे जिसे कहते हैं के चक्कर में मेरा जबड़ा भी बहुत दर्द कर रहा है, इतना बोल बोल के जबड़े में इतना दर्द हो रहा है, चलो इतना सारे लगे कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं गाने के लिए कभी क्लेम आएगा नहीं आएगा, आएगा हम लोग छोटा मोटा चैनल इतना क्लेम का कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ट्राइक तो पड़ता है क्लेम का भी इतना फर्क नहीं पड़ता, बम्पर इतना डेंजर बम्पर है ना यार, देखकर डर सा लग जाता है, गाड़ी गाड़ी से भी दिल दहल जाता है। चलते चल रहे हैं यार, गाड़ी में हालत खराब हो जाती है, चलने में पता नहीं लगता, बट जब गाड़ी लेके निकलो जो ही ठंडी हवा, उसके अंदर मैंने कीनर और शर्ट और अब ये पहन रखी होगी, तब भी इतनी ठंड लग रही मुझे, दमदार ध्यान गाड़ी चले गए थे, मेरी मदद से गाड़ी की जरूरत थी, तुमको ये नहीं पता ना मतलब वीडियो के लिए कितने दूर दूर जाना पड़ता है, कुछ खाने के लिए कुछ खाना पड़ता है क्या मेरे तो, अरे भैया R15 फुल्ली मॉडिफाइड, एकरा का फर्स्ट कॉपी एग्जॉस्ट, क्या थोड़ा सा ओवरटेक मार दो, और ये आपको नहीं करना चाहिए करना पड़ता है, भाई सेफ्टी गियर सबने पहन के चलो, जब भी कोई मतलब चाहे मोटो ब्लॉक कर रहा हो या ना भी कर रहा हो, नॉर्मल बाइक पे जा रहा हो, तो आप अपनी मतलब सेफ्टी को साथ में लेके चलो, चाहे कि छोटी बाइक का मतलब छोटी सीसी का हो 125 हो 300 हो, और भैया बता दे देखिए बता दे गाड़ी, पता नहीं कैमरा एंगल बिगड़ क्या होगा, अरे हाय हाय, अरे यार इसे बम्पर फैमिली कंटेंट है सर, कुछ और कह नहीं पा रहे उसके आगे, बाकी जो मतलब मेरी फीलिंग समझ सकते हो समझ जाओ, आगे तुम खुद ही लगा दो कमेंट सेक्शन में आके क्या कहना चाह रहा था मैं, अरे कितनी दूर है पापा, घर वाले ये देखो आगे दोबारे खराब रोड, पुरानी घर वाले अगर मेरी वीडियो देख ले तो कितनी गाली बनेंगे, रोड तो बना दिया
कोलकाता में एक दिक्कत है, यहाँ मान लो यार 24 घंटे ट्रक चलते हैं, और भी हल्के फुल्के नहीं है, एकदम हैवी वेट ट्रक चलते हैं जिसे कहते हैं। सनसेट देखो, यहाँ का सनसेट देखो भाई, पता नहीं मैं दिखा पा रहा हूँ नहीं पा रहा। सनसेट देखो क्या प्यारा लग रहा है। और गाड़ी बंद पड़ गई मेरी, ग्रीनरी देखो यहाँ की कोई इतने। चलो भाई क्लच स्टार्ट है ये, तो कभी कार गाड़ी अगर फर्स्ट उसमें बंद हो जाए और गाड़ी गर्म हो जाए तो फर्स्ट मतलब तो दी क्लच दबा दी गाड़ी ऑन हो जाती है। ये सवाल में आई थ्री से ये फायदा रहे यार। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर, रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया। बुरा है और बम्पर कैमरा अंगल बिगड़ रहा है, कीड़ा घुस गया आपकी बार। ओ भाई तुम्हारे बम्पर, हाँ ये देखो स्ट्रेट मारा बंदे ने बम्पर ही खत्म यार। एक तो यहाँ बम्पर में बड़े भाइयत लगे जिसे कहते हैं ना भाइयत, भाइयत भाई बम्पर बनाए तो थोड़े बम्पर पर निशान दे देते, क्या भाई यहाँ बम्पर है, बम्पर पर कुछ निशान नहीं, पूरा भैया सड़क के कलर की थान से बना रखा पूरा, जिसकी नज़र में पड़ गया तो पड़ गया वो आराम से निकल गया, जिसकी नज़र में नहीं पड़ा वो बंदा उछल गया था। अभी जाते अभी थोड़ी देर पहले निकल गया वो यहाँ बम्पर उछला निकल गया, यहाँ के लोगों को पता लग रहा है ये बम्पर है यहाँ पर इसमें। मेरी बाहों में आओ जरा, मेरी धड़कन में समाओ जरा, मेरी उल्फत में बिखर जाओ, चलने दो बहक। तो यार आप तो आप सोचेंगे यहाँ इसके बाद मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो सीधा एक्सीडेंट यहाँ तुम्हारे भाई का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट नहीं एक्सीडेंट कह नहीं सकते हैं, ये बाइक मतलब स्किड कर गई थी हल्की, एक जगह बम्पर पे ब्रेक मारने गया, वहाँ बदर बर वगैरह पड़ी हुई थी देखी नहीं मैंने, और बाइक वहाँ थोड़ी स्लिप कर गई, तो बाइक में फ़िलहाल तो कुछ हुआ नहीं है जितना मैं देख पा रहा हूँ, बाइक में कुछ हुआ नहीं है फिलहाल। ये देखो ये तो पहले से ही डैमेज है, बाइक में कुछ हुआ नहीं है, बट तुम्हारे भाई के हाथ पे हल्की सी ये दिखा पा रहा हूँ नहीं पा रहा, ये चोट लगी है देखो हल्की सी चोट लगी है तुम्हारे भाई के हाथ में बस। इसके अलावा तुम्हारा भाई एकदम जानदार शानदार अभी फुल फॉर्म में हूँ, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये हाथ पे हल्की सी ये चोट लगी पता दिखा पा रहा हूँ नहीं पा रहा, चलो देखते हैं क्या होता है। चलो तो ब्लॉग शायद मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, चलो मिलते हैं फिर।